Dear students, good morning. Today we will do non-finite verbs. So there are two types of verbs, finite verbs and non-finite verbs. As you are watching in the red color, finite verbs and non-finite verbs. So finite verbs kya hoti hain? Finite verbs are those verbs which are limited by number, person and tense. जो नॉर्मली आप यूज़ करते हैं सेंटेंसेस में, सेंटेंस बनाने में, तो किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो ये होता है बेटा, सिंपल सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो नॉर्मल सेंटेंस में या नेगेटिव इंटरोगेटिव में जो टेंस बनाते हैं, जब टेंसेज में हम वर्ब का यूज़ करते हैं, जैसे सिंपल प्रेजेंट में, सिंपल पास्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो ये सेंटेंसेज टेंसेज जो हैं, इन टेंसेज में हम वर्ब यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। जैसे ये एग्जांपल है, द बॉय वांट्स अ बुक। तो ये वर्ब है वांट्स, ये द बॉय के कारण यूज हुई है, क्योंकि बॉय सिंगुलर है, तो वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमने यूज की है वांट्स। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हमने यहाँ क्या यूज कर दिया है, एस। इन द सेकेंड सेंटेंस, द बॉयज वॉन्ट बुक्स। तो यहाँ प्लूरल वर्ब सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब क्या यूज हुई, वॉन्ट। तो वॉन्ट जो वर्ब है, मेन वर्ब जो है, उस पर नंबर का इफेक्ट पड़ा है यहाँ, नंबर पर्सन। सिंगुलर है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग वर्ब यूज हुई है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो प्लूरल के अकॉर्डिंग वर्ब यूज हुई है। द बॉयज वॉन्टेड बुक्स, ये टेंस है यहाँ, क्योंकि पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस था, सेकेंड में पास्ट है, तो सेकेंड फॉर्म यूज हुई। I want a book. For example, I want a book. He drinks milk. They drink milk. They drank milk. He has drunk milk. तो इन sentences में जो verb effect हुई है वो किससे हुई है, number, person और tense से। Singular के साथ singular के according s लग गया है, और plural के अनुसार, subject अगर plural है तो उसके अनुसार use हुई है। तो ये जो main verb है इसे कहेंगे हम फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब कौन सी होती है, जिस पर नंबर, पर्सन और टेंस का इफेक्ट पड़ता है, मतलब वो उसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार अपना रूप बदल लेती हैं। अगर रूप बदल लें तो वो होती है फाइनाइट वर्ब, और वो जो वर्ब जिनके ऊपर ना नंबर, चाहे सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे कोई भी टेंस है, चाहे प्रेजेंट है, चाहे पास्ट है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो अपना रूप नहीं बदलती, उन्हें कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो समझ आया आपको, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या डिफरेंस है। फाइनाइट वर्ब वो वर्ब हैं जो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट अपना रूप चेंज कर लेती हैं, और नॉन फाइनाइट जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे प्लूरल है, चाहे कोई भी टेंस है, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता और वो अपना रूप नहीं बदलती। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर दोज वर्ब्स विच आर नॉट लिमिटेड बाय नंबर, पर्सन और टेंस। फॉर एग्जांपल, अब ये जो पैटर्न होगा वो मेन वर्ब तो होगी होगी, बट उसके प्लस फाइनाइट वर्ब के साथ साथ नॉन फाइनाइट वर्ब भी यूज करेंगे। कई बार अकेली नॉन फाइनाइट वर्ब भी यूज होती है, जैसे मॉडल्स में, बट मॉडल्स में भी क्या है, ऑक्सिलरी है, कैन, कुड, मे, माइट, बट उसके साथ साथ नॉन फाइनाइट वर्ब भी यूज करेंगे, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मेन वर्ब भी हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी, जैसे मॉडल्स वगैरह, प्लस नॉन फाइनाइट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब नॉन फाइनाइट वर्ब जैसे ही वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर, इस टेंस में ही वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर, टू राइट क्या है, नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसे कहते हैं टू प्लस वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू इन्फिनिटिव। जो फाइनाइट वर्ब्स हैं वो भी कई टाइप्स के होते हैं, ठीक है। तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ डेफिनेशन को समझ रहे हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब होती क्या है। तो ही वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर, दे वॉन्ट टू राइट लेटर्स, मोहन वॉन्टेड टू राइट अ लेटर, I want to write a letter. I want to drink milk. He wants to drink milk. अब इस टेंस में देखिए आप, want के जो रूप है वो बदला है according to number and tense. Wants, want, wanted. But to write, to write, to write, to write same रहा है. इसने अपनी form, अपना रूप नहीं change किया.
तो इसमें इन्हें क्या कहेंगे हम, नॉन फाइनाइट वर्ब। सबसे पहले आगे चलने से पहले नॉन फाइनाइट वर्ब और फाइनाइट वर्ब का डिफरेंस समझना जरूरी है। तो फाइनाइट वर्ब वो वर्ब्स हैं जिनके ऊपर नंबर और पर्सन का इफेक्ट और टेंस का इफेक्ट पड़ता है, और नॉन फाइनाइट वर्ब वो वर्ब हैं जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब अगर इस सेंटेंस में मैं आपको कहूँ, आप डिफ्रेंशिएट कीजिए ही वॉन्ट्स टू राइट अ लेटर में, कि फाइनाइट वर्ब कौन सी है और नॉन फाइनाइट वर्ब कौन सी है, तो आप इसे वॉन्ट्स क्या है फाइनाइट वर्ब और टू राइट क्या है नॉन फाइनाइट वर्ब। दे वॉन्ट टू राइट लेटर्स में वॉन्ट क्या है फाइनाइट वर्ब और टू राइट इज नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट का आपको डिफरेंस समझ आ गया होगा। तो वो वर्ब जो नंबर और पर्सन से प्रभावित होती हैं उन्हें कहते हैं फाइनाइट वर्ब, और जो नहीं चेंज होती उन्हें कहते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। तो देन नेक्स्ट, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, द इन्फिनिटिव, द जीरंट एंड द पार्टिसिपल्स। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव आगे टू टाइप्स के हैं, मीन्स फुल ग्रामर में हम ये देखेंगे कि कहाँ कहाँ ऐसी कौन सी वर्ब्स हैं जिनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यहाँ फुल इंग्लिश ग्रामर की बात हो रही है, वर्ब्स वो वर्ब्स पूरी फुल इंग्लिश ग्रामर में, कि कौन सी ऐसी वर्ब्स हैं जिनके ऊपर नंबर पर्सन और टेंस का इफेक्ट नहीं होता। उसकी तीन कैटेगरी हैं जैसे कि अभी मैंने बताया, इन्फिनेटिव, जीरंड और पार्टिसिपल। तो द इन्फिनेटिव फर्स्ट इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव में क्या होता है, एक होता है बेयर इन्फिनेटिव और एक होता है टू इन्फिनेटिव। बेयर मीन्स विदाउट टू, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। इन्फिनेटिव मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को बोलेंगे टू इन्फिनेटिव। इन्फिनिटिव मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। सबसे पहले हम करेंगे बेयर इन्फिनिटिव, मीन्स इन्फिनिटिव विदाउट टू। ठीक है, विदाउट टू को हम क्या कहाँ, हम मेन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो है, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब हम कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर में मॉडल्स के, सेकंड सेमेस्टर में आपके पास बीए सेकंड सेमेस्टर में मॉडल्स का टॉपिक था, तो मॉडल्स में आपने एक रूल किया है कि मॉडल्स के साथ हमेशा ही फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होती है, चाहे वो कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, नीड, डेयर, कोई भी इन्फिनिटिव है तो, सॉरी, कोई भी ऑक्सिलरी है, मॉडल्स है, तो हम उनके साथ क्या यूज करते हैं, बेयर इन्फिनिटिव। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ही कैन गो नाउ, तो कैन के साथ क्या यूज किया हमने, गो। गो क्या है यहाँ, गो इज द इन्फिनेटिव विदाउट टू, बेयर इन्फिनेटिव कहेंगे से। यू शैल नो योर रिजल्ट टुमारो, यू शैल, शैल की वजह से, अब शैल क्या है, शैल के कारण यहाँ क्या यूज हुई है, नो, नो इज अ बेयर इन्फिनेटिव। देन देखिए सारे एग्जांपल्स, देखिए इनको, डेयर यू गो इन टू अ लोनली हाउस एट नाइट, ही डेयर नॉट टच हिज ब्रदर्स बुक्स, नीड यू गो होम सोन सो सोन, यू नीडंट कम, जस्ट गिव मी अ रिंग। तो यहाँ नीडंट, डेयर, शैल, विल, कैन, कुड की वजह से क्या लगे हैं, बेयर इन्फिनिटिव ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे गो, टच, गो, कम, ये सभी के यहाँ कहेंगे हम इन्हें बेयर इन्फिनिटिव फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। विद वर्ब्स ऑफ सच एज सी, फील, हियर, वॉच, नोटिस, बिड, हैव, लेट, मेक एक्सेट्रा, इन वर्ब्स के साथ भी अगर ये वर्ब्स मेन वर्ब्स के रूप में आ जाती हैं तो उनके साथ भी हम बेयर इन्फिनिटिव यूज करेंगे। बेयर इन्फिनिटिव मीन्स, अगेन आई विल टेल यू, क्या मतलब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ हिम क्रॉस द रोड, आई सॉ हिम, सो क्या है यहाँ, मेन वर्ब, फर्स्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आई सॉ हिम। उसके बाद क्रॉस वर्ड की यूज है, करते हुए, क्रॉस द रोड, तो क्रॉस क्या है यहाँ, बेयर इन्फिनिटिव। सॉरी, आई हर्ड समवन ओपन द रोड, आई हर्ड समवन, तो यहाँ हर्ड क्या है, मेन वर्ब, और समवन ओपन द डोर, ओपन क्या है यहाँ,
इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव, क्योंकि यहाँ हर्ड आ गया, सो आ गया है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया है, बेयर इन्फिनेटिव। सिंपल सेंटेंस में एक्टिव वॉइस, इसे कहेंगे एक्टिव वॉइस सेंटेंस। सिंपल सेंटेंसेस में द टीचर मेड द स्टूडेंट्स रिपीट द लेसन। अब यह रिपीट द लेसन है, देखिए तो रिपीट क्यों यूज हुआ है, क्योंकि मेन वर्ब क्या आ गई है, मेक, मेड, सेकंड फॉर्म ऑफ द मेक। ही बेड मी राइट एन एसे, उसने कहा मुझे ऐसे लिखने के लिए, तो बिड, बेड, बिडन, बेड क्या है यहाँ, सेकंड फॉर्म ऑफ द बिड। तो कोई भी फॉर्म यूज हो सकते हैं, फर्स्ट भी सेकंड भी, पर मेन वर्ब वही होनी चाहिए, सी, हियर, नोटिस, वॉच, बिड, हैव, लेट, मेक। अगर ये सिंपल सेंटेंस में यूज होते हैं और आगे डैश आता है तो आपने क्या यूज करना है, बेयर इन्फिनिटिव। ही डिड नॉट लेट मी एंटर द रूम, उसने मुझे रूम में एंटर नहीं करने दिया, लेट है, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज किया है, बेयर इन्फिनिटिव ओनली, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। देखिए इफ दीज वर्ब्स आर यूज इन पैसिव फॉर्म, अगर जो मेन ऊपर वर्ब्स बताई हैं मैंने आपको, सी, फील, हियर, वॉच, नोटिस, बिड, हैव, लेट, मेक, तो अगर वो पैसिव फॉर्म यूज होते हैं तो आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है। द स्टूडेंट्स वर मेड टू रिपीट द लेसन बाय द टीचर। अब देखो ऊपर सेंटेंस क्या था, द टीचर मेड द स्टूडेंट रिपीट द लेसन। अब इसका पैसिव बना दिया मैंने, सब्जेक्ट को पीछे, ऑब्जेक्ट को आगे ले आए और यहाँ कर दिया वर मेड। ओके, द स्टूडेंट्स वर मेड पैसिव हो गया, ऊपर सिर्फ मेड थी, यहाँ वर मेड है। देखो पैसिव सेंटेंस में हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, ठीक है, तो इज, एम, आर, वॉज, वर के साथ वैसे कभी भी ऐसे वर्ब यूज नहीं होती, ओनली पैसिव में ही ऐसा होता है कि इज, एम, आर और वॉज, वर के साथ भी हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। ये क्लियर है यहाँ, द स्टूडेंट्स वर मेड तो पैसिव फॉर्म है, इसलिए हम यहाँ यूज करेंगे टू रिपीट। नेक्स्ट इज, अगर वुड रादर, सूनर, रादर देन, हैड बेटर, एक्सेट्रा, ये वर्ड्स आ जाएं तो भी आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज करनी है। अगेन आई विल से कि बेयर इन्फिनेटिव, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब मीन्स बेयर इन्फिनेटिव। जैसे एग्जाम्पल, आई वुड रादर स्टे एट होम इन दिस वेदर। देखिए, अच्छा होता मैं इस वेदर में घर पर रहता, वुड रादर आया है इसलिए हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज किया स्टे। You had better ask him for help. अच्छा होता आप उससे help मांग लेते, वो तो आपने मांगी नहीं। Had better, would rather, sense में यूज होते हैं, मतलब हुआ नहीं फिर भी आप, मतलब ऐसा होता, कल्पना कर रहे हो आप, imagine. You had better ask him for help. Had better यूज हुआ इसलिए हमने यूज किया, वैसे तो had के साथ क्या यूज होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बट यहाँ had better है इसलिए आपने क्या यूज किया है, ask. अगर सेंटेंस में बट और एक्सेप्ट के बाद डैश आ जाता है तो भी आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है। ही डिड नथिंग बट वेट फॉर हिज ब्रदर, तो वेट किसके बाद डैश आया है, बट के बाद एग्जैक्ट, तो आपने यूज किया बेयर इन्फिनिटिव। ही वुड डू नथिंग एक्सेप्ट कंप्लेन, ही वुड डू नथिंग एक्सेप्ट के बाद भी क्या आएगा, इन्फिनेटिव, बेयर इन्फिनेटिव का यूज होगा, ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। एंड द नेक्स्ट, विद क्वेश्चंस डेनोटिंग सुजेशन और एडवाइजिंग एंड बिगनिंग विद वाई और वाई नॉट। अगर कोई क्वेश्चन वाई और वाई नॉट से स्टार्ट हो तो आपने उसके तुरंत बाद वर्ब यूज करनी है, डैश आ जाता है तो आपने यूज करना है बेयर इन्फिनिटिव। जैसे वाई मेक सच नॉइज ओवर स्मॉल मैटर, वाई के बाद एग्जैक्ट डैश आ गया है तो आपने यहाँ बेयर इन्फिनिटिव का यूज करना है, क्यों इतना शोर शराबा किया जा रहा है। वाई नॉट टेक ब्रदर विद यू, वाई नॉट, वाई नॉट के एग्जैक्ट बाद डैश आ गया है तो इसलिए आपने यूज करना है बेयर इन्फिनिटिव। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डू टू इन्फिनिटिव। ओके, तो वॉच द वीडियो, स्टडी दिस एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द टॉपिक। थैंक यू. Have a nice day.